नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, जो भी मोदी भक्त होगा मारा जाएगा। इस बयान पर कोई हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो सिलेक्टिव हेट स्पीच को एम्पलीफाई करता है। यानी सोच समझकर कुछ बातों पर शोर मचाया जाता है और कुछ बातों पर सन्नाटा छा जाता है। पिछले कुछ घंटों में एक साथ सैकड़ों हैंडल्स अचानक एक्टिव हुए हैं। हर हैंडल पर मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, आपत्तिजनक बातों का स्कैंडल। कौन है इनका हैंडलर? प्रधानमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले कहां छिपकर बैठे हैं? कौन कहां बैठकर क्या क्या लिख रहा है? अभी अभी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को बदनाम करने वाली स्क्रिप्ट किसने लिखी है? किसके कहने पर लिखी है? मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ यह जो नया इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ है, उसके पीछे किन चेहरों का दिमाग लगा है? इन हैंडलर्स की क्या मंशा है? देखते हैं एक रिपोर्ट। मोदी के खिलाफ एक साथ 100 हैंडल, सबके हैंडलर कौन? क्या इन सारे हैंडल्स को मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का राहुल दे रहे हैं ऑर्डर? योगी के खिलाफ 24/7 काम कर रहे हैं कितने हैंडल? क्या इन सारे हैंडल्स को अखिलेश खुद कर रहे हैं हैंडल? अमित शाह के पीछे पड़ा कौन सा इकोसिस्टम? उस इकोसिस्टम में कितने हैंडल? एंटी अमित शाह हैंडल्स के कितने हैंडलर्स? क्या केसीआर और भाईजान ही हैं इन हैंडल्स के असली ऑपरेटर्स? बीजेपी के तीन बड़े चेहरों पर टारगेटेड अटैक के पीछे है तीनों के सियासी दुश्मनों का 24 वाला पॉलिटिकल स्टंट। मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल की टीम क्या कर रही है? वो प्रधानमंत्री के एक एक मूव को ट्रैक कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खबर कोई भी है उसे मोदी से ही जोड़ रही है। राहुल के पास ऐसे 50 लोगों की एक टीम है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत हैं, जयराम रमेश हैं, पवन खेड़ा हैं, सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी है, जिनका काम ही है मोदी के खिलाफ सुबह शाम हेट कैंपेन चलाना, माहौल बनाना। चलिए पहले आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। मोदी केरल पहुंचते हैं, स्थानीय लिबास में दिखते हैं। राहुल की आईटी सेल की नजर मोदी के कपड़ों पर लगे कमल के फूल पर पड़ती है और इसके बाद कांग्रेस के हर हैंडल पर मोदी को टारगेट करने वाला यही टेक्स्ट घूमने लगता है। कहा जाने लगता है कि मोदी देश के पीएम हैं, लेकिन अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। केरल में मोदी का रोड शो होता है, हर तरफ लोगों का हुजूम दिखता है। राहुल की टीम तस्वीरों को कंपेयर करने बैठ जाती है। राहुल के रोड शो में ज्यादा, मोदी के रोड शो में कम भीड़ आई, यह नैरेटिव चलना शुरू हो जाता है। मोदी विरोधी हैंडल्स और उनके हैंडलर्स का फॉर्मेट ही यही है। पहले पॉलिटिकली मोदी को टारगेट करो, फिर पर्सनल अटैक करो। राहुल को पीपल्स लीडर बताओ, मोदी के लिए फेक लीडर वाली झूठी पटकथा फैलाओ। इन सारे हैंडल्स की टाइमलाइन चेक कर लीजिए, कुछ मिले ना मिले, मोदी 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 वाले शब्द जरूर मिल जाएंगे। राहुल के सबसे करीबी जयराम रमेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की दुखद मौत होती है, मौत के बाद उंगली मोदी पर ही उठाई जाती है। हद तो यह हो गई है कि कांग्रेस के नेता ये तक कहने लगे हैं कि जो भी मोदी का समर्थक है उसकी मौत निश्चित है, सबूत आपके सामने है, जनाब का नाम उदित राज है। मैंने आज लिखा कि जो जो भक्ति करेगा उसकी हालत यही होगा, वो मारा जाएगा। पहले दो करोड़ रोजगार के चक्कर में नौजवानों ने खूब वोट दिया तो मारे गए, उनको बेरोजगार बना दिया। प्राइम मिनिस्टर तो सबके हैं और प्राइम मिनिस्टर से हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी भी दल के हैं, लेकिन भक्ति कि इनसे समाधान हो जाएगा भारी पड़ गया। मोदी भक्ति जो करेगा, किसानों ने बड़ी भक्ति करी कि डबल इनकम होगी और कम हो गई, तो जो जो भक्ति करेगा मारा जाएगा, मजदूर मारा जाएगा, सभी मारा जाएगा।
नेशनल लेवल पर मोदी के खिलाफ झूठ फैलाओ, सियासी माइलेज उठाओ वाला गेम कांग्रेस खेल रही है, तो स्टेट लेवल पर छोटी छोटी पार्टियां भी दिन रात मोदी के पीछे पड़ी हैं। इसमें अखिलेश भी हैं, ममता भी हैं, नीतीश भी हैं, तेजस्वी भी, केसीआर भी और ओवैसी भी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे हैंडल और सबके हैंडलर्स अलग अलग हैं, लेकिन मोदी हटाओ इकोसिस्टम के सारे मास्टरमाइंड्स की भाषा बिल्कुल एक जैसी ही है। मसलन अखिलेश की पार्टी लाइन देती है यूपी प्लस बिहार, गई मोदी सरकार वाला पोस्टर घुमाती है। तेजस्वी फौरन ट्विटर पर आते हैं, अखिलेश की हां में हां मिलाते हैं। दीदी के सोशल मीडिया वॉरियर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और ममता सेट्स द रिकॉर्ड स्ट्रेट वाला टेक्स्ट फिट होने लगता है। भाईजान भी मुसलमान वाला टेक्स्ट लेकर बैठ जाते हैं। यानी नेशनल और स्टेट लेवल पर मोदी विरोधी हैंडल और उनके हैंडलर्स प्रधानमंत्री के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर हर 5 मिनट में अनाप शनाप लिख रहे हैं। मैं तो गुजरात में था, मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा। जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वो अभाव में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। जिन्होंने दशकों दशक तक देश पर शासन किया, उनको यहां के युवाओं के साथ हो रहे इस भयंकर अन्याय की चिंता कभी भी नहीं हुई। मोदी विरोधी हैंडलर्स का इरादा है पैन इंडिया मोदी को नुकसान पहुंचाना। दक्षिण की सीटों को छोड़ दें तो 400 सीटों पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करने की योजना बनी है और टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। बिहार 40, असम 14, अरुणाचल प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 6, झारखंड 14, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, ओडिशा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 80 और पश्चिम बंगाल 42। अटल जी की स्मृति में कहते कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए। और राहुल गांधी सुन ले कि मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को अगर कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। और आपने ध्यान दिया होगा, इस वक्त ये इकोसिस्टम विदेशों में बैठकर नो वोट टू बीजेपी वाला हैशटैग ट्रेंड करा रहा है। ये वीडियो इस वक्त कर्नाटक में मोबाइल मोबाइल पर फैलाया जा रहा है। जनता सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने अपने लिए किसने काम किया, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और बहुत जल्द यूपी वाला वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। क्यों, चलिए अब आपको ये बताते हैं। मोदी हटाओ मोर्चा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो स्क्रिप्ट फिट की है, योगी के खिलाफ भी सेम टू सेम वही बातें रिपीट की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी पर टारगेटेड अटैक के लिए अतीक को हथियार बनाया गया है, अखिलेश और ओवैसी दोनों ने सेम पैंतरा अपनाया है। अखिलेश हर दिन कैमरे पर आकर अतीक वाला टेप ही बजा रहे हैं, योगी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची,
और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी का हैंडल खंगालेंगे तो समझ जाएंगे अखिलेश की पार्टी अतीक के लिए नहीं किसी और के लिए हिस्ट्री शीटर वाला मीटर ऑन किए बैठी है। योगी राज में माफिया राज खत्म हो रहा है, लगता है अखिलेश को यही नहीं पच रहा, तभी तो उनकी पार्टी के हैंडल से ये सब लिखा जा रहा है। सपना के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर्फ तान करके चलते थे, नौजवान महिलाएं व्यापारी किसी प्रकार से जान बचाने के लिए इधर उधर फिरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, सूर्य अस्त से पहले पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में किरानी छा जाती थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने को मजबूर है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। ये है उसकी जरूरत नहीं कि वह कहीं तंग करके चल सके, सड़क पे तंग करके चल भी नहीं सकता है। अगर सड़क पे चलेगा तो तकती लटका करके चलेगा कि थोड़ा मुझे जान बख्श बकस दो। अखिलेश सिस्टम फेल्योर की बात कहकर योगी को टारगेट करते हैं, मगर हाथों हाथ निशाना मोदी पर भी साधते हैं। समाजवादी पार्टी के अलग अलग हैंडल्स पर लिखे शब्दों से ये क्लियर है कि ये पूरा तिकड़म ही 24 वाला है। सवाल यूपी की 80 लोकसभा सीटों का है, इसीलिए इतना यूपी प्लस बिहार वाला पोस्टर चिपक रहा है। इसमें एक इकोसिस्टम मुस्लिम मोहल्ले वाला भी है जिसे ओवैसी लीड कर रहे हैं। ऊपर से इशारा होता है और नीचे वाले किरदार कैसे एक्टिव होते हैं इसका एक सैंपल ये शख्स भी है। इसका नाम है हफीज नूर अहमद रजा अजहरी, महाशय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अतीक मर्डर के लिए देखिए कैसे सीधे सीधे योगी को ब्लेम कर रहे हैं, अनर्गल आरोप मढ़ रहे हैं। एक हुकूमत के जरिए भाजपा शासित जहाँ जहाँ राज्य हैं वो सभी राज्यों में एक प्लान चल रहा है कि मुसलमानों को डराया जाए, विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाए। पर उसको ये खौफ कौन सा था कि योगी आदित्यनाथ जी को अपराधियों से उसे मरवाना पड़ा? जिन लोगों ने मारा है वो उनकी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस के बीच में आकर के मारे, यहाँ करके वो मारने वाले लोग अपराधी थे और अपराधियों ने मारा, हुकूमत की साजिश से मारा, हुकूमत ने मरवाया। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से ये कहा मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने मिट्टी में मिलाया किसे मालूम आपको? उन्होंने देश के कानून को, देश के संविधान को मिट्टी में मिलाया है। ताजा अपडेट ये है कि मौलाना साहब पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हैंडल्स अतीक के मर्डर के बाद अचानक सक्रिय हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये पोस्टर देखिए, मुस्लिम मोहल्ले में इस पोस्टर को वायरल कराने के लिए कैसा टेक्स्ट फिट हुआ है और योगी के खिलाफ किस तरह हेट नैरेटिव परोसा गया। योगी के खिलाफ हेट स्क्रिप्ट लिखने का ये सिलसिला 15 अप्रैल से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। जो प्रयागराज में अतीक और अशरफ के साथ जो कुछ हुआ, बहरहाल सारी दुनिया में मजम्मत हो रही है, जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी मजम्मत कर रहे हैं, वहाँ पर जो कुछ हुआ वो शक के घेरे में है। पुलिस की हिरासत में, पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और अशरफ का कत्ल कैसे हुआ? अतीक और अशरफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा था कि इनकी हिफाजत करो, अफवाहें फैल रही थी बराबर। ये जो कुछ हुआ है ये हमारे मुल्क पर बदनुमा दाग है, लेकिन किसी को यह हक नहीं है कि हथियार उठाए और मार दे, किसी को यह हक नहीं है, आवाम को यह हक नहीं है, पब्लिक को यह हक नहीं है, इससे तो अनार्की फैल जाएगी।
इससे तो नफरत फैल जाएगी, इससे तो झगड़े फैल जाएंगे, इससे तो देश बदनाम हो जाएगा, और हो रहा है बदनाम। और आप देखिए ना कितना फर्क पड़ता है, उन्होंने मार दिया उन दोनों को, कहीं बुलडोजर चला? आप देख रहे हैं कोई बुलडोजर चल रहा है कहीं? लोगों को ना एक सपना है, सपना देखते रहते हैं, विश्व गुरु, सारी दुनिया में गुरु, सारी दुनिया में बड़ा। भाई आदमी तो अपने काम से होता है ना, हिंदुस्तान में आप खाली धर्म से नहीं ऊंचे हो सकते। मार दो, किसी को भी मार दो, किसी को भी जला दो, किसी की भी लिंचिंग कर दो, क्या हो गया? ये धर्म है भाई। ये इकोसिस्टम देश से ही नहीं विदेशों से भी ऑपरेट कर रहा है। सालों पुरानी घटना को जिसका न मोदी से लेना देना है न योगी से लेना देना है, वो तक फैलाया जा रहा है। योगी मोदी विरोधी हैंडलर्स के टारगेट पर गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। अमित शाह इस वक्त दक्षिण में हैं, रोड शो कर रहे हैं, पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन शाह को घेरने वाली एक टीम वर्चुअल वर्ल्ड में एक्टिव है। अमित शाह गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने की बात कहते हैं, उनके दुश्मन ये फैला देते हैं कि गृह मंत्री ने मुसलमानों को समाप्त करने की बात कह दी। वर्चुअल वर्ल्ड में यह सब कुछ हो रहा है, सबूत आपके सामने है। यानी अमित शाह अपनी सियासी स्पीच में कहते कुछ और हैं, मगर ये इकोसिस्टम उनके बयान को काट छांट कर मुसलमानों के मोबाइल फोन तक डिलीवर करा देता है, और पोस्टर क्या छपता है आपके सामने है। एक लाइन में कहें तो योगी मोदी और शाह तीनों अंडर अटैक हैं, पूरा इकोसिस्टम पीछे पड़ा है, लेकिन अटैक इधर से भी हो रहा है। मोदी वर्सेस ऑल की यह लड़ाई अब खुल्लम खुल्ला शुरू हो गई है। विरोधियों के एक एक अटैक का काउंटर पंच मोदी खुद दे रहे हैं, और मोदी की आर्मी भी पीछे से हमलावर है। 24 से पहले सबसे बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जहां मोदी की पार्टी जीरो पर है और राहुल की पार्टी टॉप पर है, वहीं से इस उलटफेर की शुरुआत हो सकती है। एक दिन पहले ममता बनर्जी और नीतीश कुमार मिले तो नरेंद्र मोदी को हीरो से जीरो बनाने की बात हुई। नरेंद्र मोदी ने आज दिन की शुरुआत ही उस जगह से की जहां मोदी जीरो पर हैं और राहुल गांधी हीरो हैं। वहीं आज एक ऐसा पॉलिटिकल इशारा मिला कि मोदी जीरो से हीरो बन सकते हैं और राहुल हीरो से जीरो। मोदी की पार्टी बार बार कहती है 300+। 300+ का मतलब 40-50 सीटें एक्स्ट्रा। बीजेपी हिंदी बेल्ट में बेस्ट फॉर्म में रहती है, तो एक्स्ट्रा सीटें कहां से आएंगी? मोदी ने पिछले 24 घंटों में जहां जहां ताकत लगाई और जहां राहुल के लिए नई आफत आने वाली है, वो ग्राउंड क्या है और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, देखिए। नरेंद्र मोदी जहां जीरो हैं, वहां भी नरेंद्र मोदी हीरो हैं। जहां मोदी की पार्टी का एक भी सांसद नहीं, जहां मोदी की पार्टी का एक भी विधायक नहीं, मोदी वहां जा रहे हैं जहां मोदी की पार्टी के लिए अभी कुछ भी नहीं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गोवा हो, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये को देखा है, वो किसी भी मंत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने करके दिखाया है, जो गोवा लगातार कर रहा है, वो आने वाले दिनों में केरला भी करके रहने वाला है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी यहां सिर्फ 29 सीटें हैं। 22% का स्ट्राइक रेट मोदी के अपने स्टैंडर्ड से भी मैच नहीं करता। उत्तर में भगवा मजबूत है, पश्चिम में भगवा को कोई चैलेंज नहीं है, पूर्वोत्तर तक में बीजेपी ने अपनी पैठ बना ली है, लेकिन दक्षिणी द्वार में घुसते ही मोदी का रथ डगमगाने लगता है।
क्या इस बार मोदी हालात बदल देंगे? क्या 24 में दक्षिण के दुर्ग पर भगवा झंडा लहराया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, पार्टी के तीन बड़े नेताओं ने 24 घंटे दक्षिण में बिताए। मोदी केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, अमित शाह ने तेलंगाना के चेवेल्ला और कर्नाटक के बागलकोट में रैली, और जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में प्रचार किया। वोट कर्नाटक में पड़ने वाले हैं, अगला नंबर तेलंगाना का है, लेकिन मोदी केरल जा रहे हैं। मोदी के सियासी दुश्मन मजाक उड़ा रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक हारने वाली है, इसीलिए मोदी ने वहां से दूरी बना ली। मगर प्रधानमंत्री का प्लान क्या है? पिछले 50 साल से जिस राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, क्या मोदी वहां भगवा पार्टी के लिए स्पेस बना देंगे? क्या शुरुआत तिरुवनंतपुरम से होगी? केरल की पॉलिटिक्स को डिटेल में समझाएंगे, उससे पहले आपको कर्नाटक लेकर चलते हैं। राहुल गांधी एक नया फॉर्मूला लेकर कर्नाटक पहुंचे थे, अमित शाह ने उसे पंक्चर कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत वोकलिगा एससी रोशनी का कम कर देंगे। ऐसा करना चाहिए भाई, जरा बोलो करना चाहिए, करना चाहिए। आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से कांग्रेस ने 13% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की सोची थी। उसी 4% आरक्षण को खत्म करके बीजेपी 55% वोट बैंक को साध रही है। 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा कर्नाटक में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। अमित शाह जिस भी रैली में जाते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, ये कांग्रेस पार्टी वाले है ना, वो रिवर्स गियर में ही गाड़ी चलाते हैं। भाजपा वाले जो विकास कर जाते हैं, कांग्रेस वाले रिवर्स गियर कर वहीं के वहीं ला देते। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल कर लिंगायत भोकलिगा तलवारा परिवार और दलित समाज सबके आरक्षण में बढ़ोतरी की बढ़ाया। राहुल गांधी ने सोचा था कि जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% वाली सीलिंग खत्म कराने का वादा करके वो पिछड़ों को खुश कर देंगे, लेकिन राहुल का होमवर्क कमजोर रह गया। अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेलकर राहुल का गेम बिगाड़ दिया। अब अमित शाह के कैलकुलेशन का अंकगणित समझ लीजिए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 17% लिंगायत वोटर हैं। कर्नाटक के 8 मुख्यमंत्री इसी लिंगायत समुदाय से हुए हैं। राज्य की 100 विधानसभा सीटों और लोकसभा की 14 सीटों पर इनका दबदबा है। 14% वोक्कालिगा वोटर ओल्ड मैसूरु रीजन में डिसाइडिंग फैक्टर है। कर्नाटक के 7 पूर्व मुख्यमंत्री वोक्कालिगा समुदाय के हुए। वोक्कालिगा यानी खेती और लोकसभा की 10 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। कर्नाटक के 17% दलित वोटर पूरे राज्य में फैले हुए हैं। इनके लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में 40% दलित वोट बीजेपी को मिले थे और 37% दलित वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। कर्नाटक आदिवासी आबादी करीब आदिवासी
की 2018 के चुनाव में 44% आदिवासी वोट बीजेपी को और 29% आदिवासी वोट कांग्रेस को मिले थे। मुसलमानों को 4% मुस्लिम आरक्षण ओबीसी खत्म करने से ओबीसी की दोनों प्रमुख जाति लिंगायत और वोक्कालिगा को सीधा फायदा होगा। अमित शाह यही बात कर्नाटक के लोगों को समझा रहे हैं, बार बार घुट्टी बनाकर पिला रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के है। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहने मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टिकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मोदी की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत सोच समझकर उठाया है। ये एक मुद्दा ऐसा है जिससे दक्षिण के पांचों राज्य कनेक्ट होते हैं। दक्षिण के पांचों राज्यों में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है और यह आरक्षण ओबीसी कोटे से काट कर दिया जाता है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण था जिसे कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी ने खत्म कर दिया। तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण है, केसीआर इसे 12%। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलता है, केरल में ये आरक्षण 8-10% है। प्रोफेशनल कोर्सेज में 8% और सरकारी नौकरियों में 10%। तमिलनाडु की सरकार मुसलमानों को 3.5% आरक्षण देती है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो इसे साउथ के दूसरे राज्यों में रिपीट किया जाएगा। कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण के किसी और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां बीजेपी इस फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकती, लेकिन इसका जिक्र जरूर करेंगे। केरल ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यक आबादी 50% है। ईसाई और मुसलमान बहुल केरल में आरएसएस का मजबूत कैडर है, लड़ने के लिए वहां लेफ्ट जैसा वैचारिक प्रतिद्वंदी भी है, लेकिन केरल में अब तक कमल नहीं खिला है। बीजेपी को लगता है कि मोदी 24 में यहां भी कमल खिला देंगे। केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता मोदी से दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन शशि थरूर इन दिनों मोदी की जमकर तारीफ करते हैं। मोदी ने जब से तिरुवनंतपुरम में वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया है, थरूर गदगद हैं। कयास लग रहे हैं कि केरल रीजन की विचारधारा अलग है, अलग ही रहेगी, ये कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन केरल में राहुल गांधी से दोनों को दिक्कत है। लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा केरल में है। 2019 में कांग्रेस ने यहां की 20 सीटों में से 15 सीटें जीत ली। 3 सीटें यूडीएफ पार्टनर्स को चली गई थी और एलडीएफ यानी लेफ्ट अलायंस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लगातार के मुख्यमंत्री ने पिनराय विजयन का इक्वेशन दिल्ली में सीताराम येचुरी के इक्वेशन से बिल्कुल अलग है।
येचुरी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं, मगर विजयन यही चाहेंगे कि केरल से कांग्रेस खत्म हो जाए। है कि मोदी जब नॉर्थ ईस्ट और गोवा में कमल खिला सकते हैं, तो आज नहीं तो कल केरल में भी कमल खिल सकता है। तेलंगाना बीजेपी का अगला स्टॉपेज है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां से बीजेपी का सांसद चुनकर आता है। 19 में तेलंगाना से बीजेपी के 4 सांसद चुने गए, 24 में यहां बीजेपी डबल डिजिट में आना चाहती है। केसीआर अपनी पार्टी टीआरएस को बीआरएस बनाने के बाद ऑल इंडिया एम्बिशन पर निकल चुके हैं, मोदी को घर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। केसीआर अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं, पटना जाकर वो नीतीश से मिल चुके हैं, चेन्नई में वो स्टालिन से मुलाकात कर चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी से केसीआर का पुराना अलायंस है। एक हाथ में हिंदू वोट, दूसरे हाथ में मुस्लिम वोट। केसीआर धर्म में बैलेंस और मोदी विरोधी पार्टियों का अलायंस बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। मोदी की पार्टी उनकी सीएम वाली कुर्सी भी हिला रही है। 2014 में बीजेपी और टीडीपी का गठजोड़ था। उस साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर लड़ी वहां उसे 19% वोट मिले, मगर 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 23% हो गया। 2018 का तेलंगाना विधानसभा चुनाव बीजेपी अकेली लड़ी, उसे सिर्फ 7% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 19% हो गया। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोटों का अंतर शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी का वोट बैंक है। तेलंगाना की जमीन बीजेपी के लिए इसलिए भी उपजाऊ है क्योंकि यहां ओवैसी का फैक्टर है। केसीआर सरकार का मुस्लिम तुष्टिकरण, ओवैसी ब्रदर्स के भड़काऊ बोल और नरेंद्र मोदी की पर्सनल अपील, तेलंगाना में अगर ये चल गया तो कमल खिल सकता है। मोदी की पार्टी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पैठ बढ़ा रही है। जगन मोहन रेड्डी ने मोदी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं पाली है और स्टालिन भी पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलते हैं। बीजेपी यहां भी बढ़ना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्रियों पर उस तरह के अटैक नहीं होते जैसा तेलंगाना में दिखता है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठकर ऑपरेशन जानू का पूरा प्लान बनाया था। इस ऑपरेशन में शाइस्ता परवीन, असद और अशरफ भी शामिल थे। अशरफ ने असद और शूटरों के साथ मिलकर ऑपरेशन जानू का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उमेश पाल मर्डर से ठीक 24 घंटे पहले अतीक के चकिया वाले घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी। शाइस्ता वहां कैश लेकर पहुंची थी, जबकि असद ने असलहों का जखीरा जमा किया था। चौबीस फरवरी 2023 को दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई, लेकिन इसकी साजिश 23 फरवरी 2023 को रची गई चकिया के इसी दफ्तर में, जो अतीक के गुनाहों का हेडक्वार्टर है। शाइस्ता ने यहां सभी शूटर्स के साथ मीटिंग की थी और यहीं पर उमेश पाल की हत्या के प्लान को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। यानी 24 फरवरी को जो शूटआउट हुआ था, जिसमें बम और गोलियां चलाकर उमेश पाल की हत्या की गई थी, वो अति गैंग का ऑपरेशन जानू था। इस मीटिंग में शाइस्ता ने सभी शूटर्स को अपने पर्स से निकालकर पैसे भी दिए थे। उस वक्त उसके साथ उसका बेटा असद भी मौजूद था। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की गई थी, शाइस्ता इसकी मास्टरमाइंड थी। यह खुलासा अतीक और अशरफ की जो बातचीत हुई पुलिस की उसमें हुआ था। उसी घर पर हम मौजूद है जहां पर शाइस्ता ने अपने पर्स से बाकायदा शूटर्स को पैसे दिए थे और जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसका नाम रखा था ऑपरेशन जानू। अतीक और अशरफ ने मरने से पहले पुलिस को बताया था कि उनके कहने पर उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले शाइस्ता से सभी शूटर्स इसी चकिया वाले घर पर एक साथ मिले थे।
और यहीं पर शाइस्ता ने अपने पर्स से पैसा निकालकर सभी शूटर्स को दिया था। उस वक्त असद भी साथ में था। इसी टूटे हुए घर पर सबको बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि ये भी याद दिलाया जाए कि ये साम्राज्य उमेश पाल की वजह से कम हुआ है, इसलिए शूटर्स काम करने को मना ना करें। यहीं पर उमेश पाल की हत्या के प्लान को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। ये टूटा हुआ घर इसी बात की गवाही दे रहा है, जिस तरह से पूरी जो प्लानिंग है वो की गई थी। और पुलिस ने जब इस सिलसिले में पूछताछ की थी अतीक और अशफ से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और अब ये सामने आ रहा है कि ऑपरेशन जानू की मास्टरमाइंड शाइस्ता थी। अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग बेहद फुल प्रूफ की थी। वो इसलिए, वो इसके जरिए असद को अपने माफिया साम्राज्य का नया वारिस घोषित करना चाहता था। साथ में उसका प्लान ये भी था कि प्रयागराज में असद का खौफ भी कायम हो जाए और वो पुलिस के राडार में भी नहीं आए। मौका वारदात से पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिले जो उसे असद तक पहुंचा सके। इसके लिए प्लान बनाया गया कि असद शूटआउट को लीड तो करेगा लेकिन गाड़ी से नहीं उतरेगा, वहीं अगर उसे गाड़ी से उतरना पड़े तो वो मंकी कैप पहनेगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। 24 फरवरी को जिस क्रेटा कार से असद उमेश पाल को मारने पहुंचा था, मंकी कैप उसी गाड़ी में थी जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। अतीक और शाइस्ता ने असद को बचाने के लिए एक और चाल चली थी। असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड एक खास गुर्गे आतिन जाफर को दे दिया गया था। प्लानिंग यह थी कि जिस वक्त असद प्रयागराज में उमेश पाल पर गोली चलाएगा, उस वक्त आतिन लखनऊ में एटीएम से पैसे निकालेगा ताकि यह साबित किया जा सके कि मर्डर के वक्त असद प्रयागराज में था ही नहीं। आतिन जाफर ने प्लान के मुताबिक काम किया। लखनऊ में असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकालते आतिन की तस्वीर सामने आई है। पैसे निकालने के बाद आतिन हैदराबाद भाग गया। बाद में आतिन को एसटीएफ ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती लेडी डॉन शाइस्ता को गिरफ्तार करना है। वो लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन प्रयागराज के आसपास के ग्रामीण इलाकों में छिपी है। मुस्लिम बाहुल्य गांव में उसकी लीड मिली है। पुलिस के मुताबिक वो बार बार अपना ठिकाना बदल रही है। शाइस्ता की आखिरी लोकेशन नैनी के पास मिली थी, जहां वो अतीक की करीबी एक महिला के यहां ठहरी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गई। उससे पहले शाइस्ता की लोकेशन धूमनगंज इलाके में मिली थी। 50,000 की इनामी शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज की हटवा में भी पुलिस ने रेड मारी है। हटवा अशरफ की ससुराल है, जहां अशरफ की बीवी जैनब फिलहाल अपनी बेटियों के साथ रह रही है। शाइस्ता के अलावा यूपी पुलिस अतीक अहमद के सबसे बड़े राजदार शातिर अपराधी गुड्डू मुस्लिम को भी खोज निकालने में नाकाम रही है। गुड्डू मुस्लिम की महाराष्ट्र के नासिक में लोकेशन पाए जाने के बाद अलर्ट हुई एसटीएफ की टीम। जब वहां पहुंची तो गुड्डू वहां से निकल चुका था, जिसके बाद कर्नाटक और फिर ओडिशा के बाद पता चला कि गुड्डू छत्तीसगढ़ निकल चुका है। वहीं अब खबरों के मुताबिक गुड्डू की लोकेशन बंगाल के मुर्शिदाबाद में बताई जा रही है, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीम अलर्ट पर है और जल्द ही गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की कोशिश में लगी है। अतीक अहमद का राइट हैंड माने जाने वाले गुड्डू मुस्लिम को लेकर खबर है कि वो भेष बदल कर बार बार लोकेशन बदल रहा है। कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया चेंज करने के लिए दाढ़ी बढ़ा दी है, जिससे कि आम लोगों के बीच उसकी पहचान न की जा सके। लेकिन अब जानकारी के मुताबिक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों की लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है और जल्द ही दोनों के गिरफ्त में होने का दावा किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।